फर्स्ट ईयर क्लास में आपके फर्स्ट पेपर में एक टॉपिक है राजस्थानी संगीत। उसमें लोक संगीत की परिभाषा बतानी है, उसके बाद में लोक संगीत का जो विवरण है वो आपको राजस्थानी संगीत के संदर्भ में देना है। तो मैं पहले यहाँ पर आपको लोक संगीत के बारे में बताऊँगी कि लोक संगीत हम कहते किसको हैं। लोक संगीत का एक सिंपल सा अर्थ है लोक का संगीत, यानी जनमानस का, लोगों का संगीत। लोक संगीत के अंदर जनमानस की सारी भावनाएं, संवेदनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, स्नेह, सम्मान, माधुर्य, कटाक्ष, विरह, मिलन, इन सब भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है जो उनकी अपनी बोली में, अपनी भाषा में होती है और संगीत में, लय और स्वर में बंधी हुई होती है, जिसका कोई नियम नहीं होता है। लेकिन जनमानस का, जनजीवन का जो एक सोच है, उनका जो एक भावों का अभिव्यक्ति है, वो लोक संगीत के माध्यम से होती है। लोक संगीत में जनमानस के भावों की गहराइयाँ होती हैं। लोकगीतों के साथ में लोकवाद्य भी होते हैं, लोक नृत्य भी होते हैं। इंसान या मानव एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर निरंतर कोई ना कोई भाव चलता है, कोई ना कोई विचार चलता है, और उन भावों की, उन विचारों की जो सरल से सरल अभिव्यक्ति है वो संगीत के माध्यम से है, और वो जो संगीत है वही लोक संगीत कहलाता है। लोक संगीत के बारे में एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये हमेशा एक सा नहीं रहता। जैसे जैसे समय परिवर्तन होगा, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होगा, उसका जो मौलिक रूप है लोकगीतों का, वो अपने आप स्वतः ही बदलता जाएगा। उसका कारण क्या है? उसमें तत्कालीन समय का रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, इन सब का समावेश होता है, इन सब का वर्णन मिलता है। लोकगीतों को अगर हम अपने समाज का दर्पण कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोकगीत दो शब्दों से बना है, लोक और दूसरा गीत। लोक का अर्थ है जन सामान्य, मानव समुदाय, साधारणतः चलन हम उसका अपने आसपास के वातावरण से लेते हैं, और शहरी वातावरण हो वो चाहे, और या ग्रामीण वातावरण हो। इसी प्रकार गीत जो है वो गय धातु से मिलके बना है, यानी गाया हुआ। गीत का, गाय का जो सीधा अर्थ है वो है गाया हुआ। लोक गीत यानी लोक के द्वारा गाया हुआ जो संगीत है वो लोकगीत है। आप कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में करें, लिखें, उसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उसका कंसेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं है। अक्सर ऐसा होता है बच्चों के साथ में कि वो कुछ का कुछ लिखते चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि कॉपी भर देंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप चाहे कम लिखें लेकिन लिखें सही, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। लोकगीतों के बारे में हम आदिवासियों से रिलेटेड भी हो सकता है, किसानों से, घरेलू महिलाओं से, ग्रामीण से, शहरी से, किसी भी वातावरण, किसी भी परिप्रेक्ष्य में गाया बजाया जाता है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने लोकगीत की जो एक परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है देशी संगीत की पृष्ठभूमि ही लोक संगीत है। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने भी कहा है लोक संगीत में चराचर जगत गाता है और नृत्य करता है। रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है लोक संगीत। इस तरीके से जो हमारे गुणीजन हैं उन्होंने लोक संगीत के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। हिंदी साहित्य कोश जो है उसमें लोक संगीत के बारे में, उसके अर्थ के बारे में बताया है, जो लोक में प्रचलित गीत हो, जो लोक से निर्मित गीत हो, जो लोक विषयक गीत हो, वही लोक संगीत है। इसके गहराई में और जाते हैं, प्रारंभिक
प्राचीन से जब अगर हम लोक संगीत की पृष्ठभूमि को देखते हैं तो वैदिक समय से साम संगीत जिस समय था उस समय से दो धाराएं समानांतर विकसित हो रही थी। एक तो थी शास्त्र में नियम, शास्त्रों के नियमों में बंधी हुई। शास्त्र के नियमों में बंधी हुई से क्या मतलब हुआ कि जो शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत उसकी श्रेणी में रखी जाती थी, स्वर ताल राग इस तरीके से शास्त्रों में बंधी हुई थी, नियम से बद्ध थी। और कुछ एक धारा ऐसी थी जो लोग को रिप्रेजेंट करती थी, जो उस समय की जो समाज की स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसको रिप्रेजेंट करती थी। वो लोक संगीत की, लोकगीत की श्रेणी में रखी गई। लोक संगीत सरल, सहज, स्पष्ट, संक्षिप्त, स्वाभाविक, अनुभूतिमय और अनुकरणीय होता है। इसके पीछे जनसाधारण की भावना छुपी हुई होती है। और यूँ भी हम कह सकते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियाँ भी लोक संगीत में काफ़ी अपना रोल अदा करती हैं। पंजाब का हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, बंगाल का हो, महाराष्ट्र का हो, हर प्रांत का जो लोकगीत है उसकी अपनी एक विशिष्टता होती है, उसकी विशेषता होती है। अब हम राजस्थान में जो प्रचलित लोकगीत हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। राजस्थान के लोक संगीत के अंदर, लोकगीत में हम कुछ भागों में इसको बांट सकते हैं। जैसे धर्म से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित, सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित, संस्कारों के लोक संगीत, राग रागनी पर जो आधारित है वो लोक संगीत, इसके अलावा भाषा और बोली पर जो आधारित है वो लोकगीत, इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये 6 प्रकार का क्लासिफिकेशन है, 6 प्रकार का वर्गीकरण है जिसमें राजस्थानी लोक संगीत को हम बांट सकते हैं। और ये जो लोक संगीत हैं धार्मिक, हर जगह प्रांत, पूरे प्रांत में धार्मिक लोकगीत कम से कम मतलब एक से होते हैं। मनोरंजन से संबंधित जो गीत होते हैं वो भी एक से होते हैं। सामाजिक ऐतिहासिक घटनाएं उस समय के स्थान से और उस समय में जो घटित होती हैं उससे रिलेटेड होती हैं। संस्कारों के जो लोकगीत हैं वो हर समाज में गाए बजाए जाते हैं। जिस तरह से नामकरण है, बन्ना बन्नी है, हल्दी है, घोड़ी है, मेहंदी है, बदावरा है, इस प्रकार के जो गीत होते हैं। कुछ गीत राग रागनी पर आधारित होते हैं जो प्रांत में सब जगह प्रचलित होते हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो भाषाओं पर, बोलियों पर आधारित होते हैं। यानी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोकगीत की चर्चा करते हैं तो हम इसको स्थान वाइज भी, इसको जगह के अनुसार भी इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं और किया हुआ भी है। एक है ढूंढारी लोकगीत, हड़ोती लोकगीत, बागड़ी लोकगीत, मारवाड़ी लोकगीत, मेवाड़ी लोकगीत, मारवाड़ी लोकगीत, शेखावटी लोकगीत। अब जैसे इसमें मैंने एक टेबल दी है आपको, उस टेबल के अंदर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उस टेबल में आप देखेंगे कि जो फर्स्ट है ढूंढारी लोकगीत, जयपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर इस तरीके से यहाँ पर प्रचलित है। हड़ौती जो है वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ में है। बागड़ी जो है डूंगरपुर, भांसवाड़ा में है। मारवाड़ी उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ में है। शेखावाटी जो बीकानेर है, चूरू है, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़ इस साइड में है। तो इस प्रकार से ये जो लोकगीत हैं अलग अलग जगह से हैं और उनका अलग अलग नाम दिया हुआ है। आप लोकगीतों के बारे में भी समझ गए होंगे, साथ में राजस्थानी लोकगीत का जो क्लासिफिकेशन है इसकी आप टेबल बना देंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि कौन सा गीत कहाँ पे प्रचलित है। आशा है कि समझ आ गया होगा आपको और आप इसको एक बार पढ़ें। PDF के थ्रू मैंने भेजा हुआ है ये मटेरियल, तो समझ आ जाएगा आशा है मुझे। थैंक यू।